rinarasoi.com में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में आप सबके मनपसंद कटोरी चाट बनाने जा रहे हैं। आपको कटोरी चाट घर के सामानों से ही बनाकर दिखाएंगे, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आइए कटोरी चाट कैसे बनती है, आइए देखते हैं। कटोरी चाट बनाने के इंग्रेडिएंट्स, एक कटोरी हमने मैदा लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है, मीठी चटनी इमली की ली है, मटर लिया है जिसको हमने रात में भिगो दिया था और सवेरे 2 सीटी देकर उबाल लिया है, 1 प्याज महीन काटा है, फिटा हुआ दही है, बूंदी है, इसकी जगह आप अनारदाना सेव भी डाल सकते हैं, हरी चटनी है, टमाटर महीन कटे हुए हैं, नमक, पिसा मिर्चा, हरी धनिया, काला नमक, ऑयल मोइन डालने के लिए और तलने के लिए। कटोरी बनाने के लिए अब हम पहले मैदा का डो बनाकर तैयार करेंगे। मैदा में हमने 2 चम्मच सूजी डाली है, हल्का सा नमक डाला है और इसमें हम थोड़ी अजवाइन इस तरह से हाथ पर लेकर क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को डालकर हम हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैदे में हमारा ऑयल ठीक से पड़ गया है, इसके लिए हम ऐसे मैदे की मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर मैदा हमारा टाइट बन जाएगा, इसके मतलब हमारा मोइन अच्छा पड़ा है। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। हम आटे को इस तरह से करके छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। हम रोटी से थोड़ी छोटी लोई बनाएंगे। लोई को इस तरह से हम बेलेंगे। हम आपको कटोरी बनाने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। ना ये ज्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली होनी चाहिए। इस तरह से बेलकर अब इन फॉक की सहायता से जगह जगह पर इसको हम इस तरह से करेंगे, जिससे हमारी कटोरी फूले नहीं और क्रिस्पी बनेगी। अब हम एक गिलास लेंगे। ज्यादातर सब लोग कटोरी से बनाते हैं, हम गिलास से बना रहे हैं, जिससे आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हम गिलास पर इस तरह से चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसके बाद ये बिली हुई पूरी, इसको हम इस तरह से रखकर चारों तरफ से दबा दबा कर हम इस तरह से सब कटोरी बनाकर तैयार करेंगे। ऑयल हमारा चढ़ा दिया था, गर्म हो गया है, अब इसमें हम ग्लास को रख देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, आंच को मध्यम कर दीजिए। अब हम इस तरह से इसमें ग्लास रखेंगे। इस तरह से कटोरी बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। जब हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी नीचे से, तो हम इस तरह से तेल इसके चारों तरफ डालेंगे। यदि आप लोगों से आसानी से ना छूटे, तो आप चाकू की सहायता से इसको एक तरफ से जरा सा छुआ दीजिए, ये आसानी से बाहर निकल आएगी। अब इसके अंदर ऑयल डालकर हम अंदर भी इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी कटोरियां बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से कर देंगे, जिससे उसके अंदर का सारा ऑयल बाहर निकल जाए। हमारी सारी कटोरियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें सारी सामग्री भरेंगे।
अब हम इसमें उबली हुई पहले मटर डालेंगे 2-2 चम्मच। मटर हमने हल्की सी नमक डालकर उबाली थी। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्याज। ये कटोरी चाट खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मीठी चटनी का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। सब पर हम थोड़ी थोड़ी पहले मेरी चटनी डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। इसके बाद 2-2, 3-3 टुकड़े टमाटर के रखेंगे। देखिए कटोरी बनाना कितना आसान है। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। हरी धनिया की चटनी बनाना बहुत आसान है। आप हरी धनिया, मिर्चा और अदरक को पीस लीजिए। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बूंदी डालेंगे। आप सेव डाल सकते हैं, अनार के दाना डाल सकते हैं, हल्का सा नमक। कटोरी में भी नमक है इसलिए, मटर में भी नमक है इसलिए थोड़ा थोड़ा नमक डालिए। थोड़ा थोड़ा पिसा मिर्चा बराबर से सब तरफ डालिए। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा काला नमक, भुना जीरा भी थोड़ा थोड़ा डालिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हरी धनिया रखेंगे। हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है। कटोरी चाट बनाने का हमने आपको कितना आसान तरीका बताया है। आपको कटोरी चाट बनाना अब बहुत ही आसान लगेगा। यदि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके।